मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तीन टाइप की होती है बेटा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉ मटेरियल क्या है बेटा आपका, टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, WIP। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड WIP, दैट इज कॉल्ड WIP। एंड फिनिश गुड्स, इनको बोलेंगे हम हेल्ड फॉर सेल। फिनिश गुड्स क्या है हमारे, हेल्ड फॉर सेल। ये तो AS2 बोलते हैं आपको, इन्वेंट्रीज तीन टाइप की होती हैं, दैट इज रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, जिनको हम या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कर रहे हैं, WIP, ठीक है, या जिन गुड्स को हमने हेल्ड फॉर सेल करा है। रॉ मटेरियल WIP और सॉरी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और WIP की इन्वेंट्री किसकी होती है, मैन्युफैक्चरर्स की, किसकी होती है, मैन्युफैक्चरर्स। फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है मैन्युफैक्चरर्स की तो होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट साथ में ट्रेडर्स की भी होती है। जो ट्रेडर्स हैं वो तो सिर्फ किसकी मेंटेन करते हैं, फिनिश गुड्स की, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये इन्होंने बोला आपको, कोई डाउट? ठीक है, तो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, तीन टाइप की इन्वेंट्री आपकी। बट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट वो आपको दो इन्वेंट्रीज के बारे में और भी बातें करता है, एक लूज टूल्स, सेकंड आपका क्या हो गया बेटा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनके बारे में भी वो डिस्कस करता है आपसे। तो अगर कलेक्टिवली बोलूँ मैं आपको, इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ठीक है, दैट इज लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दैट इज इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, WIP यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो यूज हो रहा है आपका, फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, दैट इज हेल्ड फॉर सेल, क्या बोलूंगा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, दैट इज इन्वेंट्री। आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। इन्वेंट्री का मीनिंग समझ लिया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, जब मैं बात करूंगा आपसे वैल्यूएशन, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा आपका, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है, यहाँ तक हमने एक वैल्यूएशन की बात करी हमने। अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने तीन पॉइंट बोले यहाँ पर, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ परचेज, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ परचेज एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज ये इम्पॉर्टेंट है CPT एग्जाम के लिए, कॉस्ट ऑफ परचेज, जब मैं कॉस्ट ऑफ परचेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा आपका, दैट इज परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन,
जिसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कैरिज इनवर्ड, बाइंग कमीशन ध्यान रखना, उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कंसाइनमेंट चैप्टर में भी, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लस मैं आपसे बोलूँगा एक चीज़ और, दैट इज ड्यूटी एंड टैक्सेस, इफ नॉट रिफंडेबल, अगर ये रिफंडेबल हैं तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं, फिर वो असेट है, फिर वो क्या है हमारे असेट है। अगर आपको सपोज वहाँ पे प्राइस दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, और टैक्सेस रिफंडेबल है, उनके अगेंस्ट क्या मिलेगा, सैंडविच क्रेडिट, क्या वर्ड आता है, सैंडविच क्रेडिट। तो सरकमस्टांस में हम क्या करते हैं, दैट इज उनको कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला आपको परचेस प्राइस, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। अभी इसमें और थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दूंगा आपको। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की जब बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपका रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, तब यूज़ होगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, या फिर बोलूँगा मैं इसको कन्वर्जन कॉस्ट, में बेसिकली आती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आएगी, जिसके अंदर इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दैट इज अदर कॉस्ट, इसमें क्या बोलूँगा, एनी एक्सपेंस विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो क्या आपकी कॉस्ट, ठीक है। वो कॉस्ट भी क्या होगी, इस कॉस्ट में ऐड होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्सक्लूड्स फॉलोइंग कॉस्ट, नंबर वन एबनॉर्मल कॉस्ट, नंबर टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, नंबर थ्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नंबर फोर स्टोरेज कॉस्ट, नंबर फाइव इंटरेस्ट कॉस्ट। जनरली ये दोनों कॉस्ट आपकी एक्सक्लूड होती हैं, जनरली क्या होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं। बट मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है एग्जांपल, हाँ सर वाइन वाला, ये एग्जांपल बच्चों को जिंदगी भर याद रहता है, कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है, वाइन वाला एग्जांपल, राइट, आईपीसीसी में कैरी फॉरवर्ड होगा ये वाला एग्जांपल आपका, हाँ सर वाइन वाला, एकदम अचानक से बोल पड़ी, ठीक है ठीक है। वाइन किससे बनती है आपकी, ग्रेप से बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमें कभी कभी ग्रेप्स को बहुत टाइम तक रखना पड़ता है, तो सरकमस्टांस के अंदर दैट इज अगर मान लो जो ग्रेप्स हमने परचेज करी है वो बोरोड फंड से परचेज करी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, प्लस साथ में स्टोरेज जो है टू ईयर्स, मान लो टू ईयर्स लग रहे हैं, टू ईयर्स का इंटरेस्ट, टू ईयर्स की स्टोरेज, ये दोनों कॉस्ट एक नेसेसरी कॉस्ट है टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, तो इसलिए इन केस ऑफ वाइन जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, ठीक है, हम जब वो ग्रेप्स को परचेज करते हैं तो सर कम सांस में अगर कोई बोरोड फंड से हमने परचेज करा उसके इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं,
ठीक है, तो ये उन्होंने बोला आपको अदर कॉस्ट। ठीक, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। यहाँ पर मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ कॉस्ट, क्या बताया मैंने आपको, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसके अंदर, एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। ओके, सेलिंग एक्सपेंस यहाँ से क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस में क्या हो गया आपकी कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल, तो वो क्या हो गया आपका एनआरवी। तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला आपको। अब नेक्स्ट आ जाओ जो मुझे डिस्कस करना है आपसे। अगर आप ये नोट्स देखो, समरी नोट्स जो आपको दे रखे हैं मैंने, अभी तक जो मैंने बोला सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रहा हुआ आपके लिए लिखा हुआ है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर एक कुछ है, AS2 स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अंडर इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको समराइज करता हूँ मैं आपके सामने, जल्दी से आओ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारी जो फाइट होगी वो फीफो और लीफो के बीच में है, फीफो और लीफो। ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब फीफो मेथड में क्या होता है, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बचा हुआ है वहाँ पर, जो रिसेंट हमने परचेज करी होंगी उनमें से बचा पड़ा है। तो इट मींस अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं तो रिसेंट परचेज थोड़ी हाई प्राइस पे हुई होंगी, रिसेंट परचेज हाई प्राइस पे हुई होंगी, तो इसकी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी। डन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो COGS क्या होगा बेटा, कम होगा। COGS निकालते वक्त क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, लेस। COGS कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा, COGS कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और COGS में इन्वर्स रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्स रिलेशन। अब डिफ्लेशनरी कंडीशंस हैं तो मतलब प्राइजेस कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्राइजेस कम, तो इसका मतलब रिसेंट जो परचेस करी कम प्राइस पे परचेस करा होगा हमने, जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, अगर फीफो मेथड है तो कम आ रही होगी, क्लोजिंग स्टॉक कम तो COGS ज़्यादा, COGS ज़्यादा तो प्रॉफिट, ऑल वेल डन। आ जाओ अब बात करते हैं लीफो मेथड की। लीफो मेथड में क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन अगर हो रखी है, अगर इन्फ्लेशन हो रखी है तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर लीफो में होता क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में एकदम स्टॉक परचेस करा वो तो क्या हो चुका है, सेल। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ऊपर वाले स्टॉक से जो पहले परचेस करा होगा हमने, अर्लियर परचेस, तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी आपकी, कम होगी। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कम आएगी, तो COGS क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। रिवर्स लीफो मेथड है और डिफ्लेशनरी कंडीशन है तो प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो जो लास्ट वाला जो हमारी परचेज है वो ऑलरेडी इशू हो चुकी है, क्या उसकी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, इशू हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है आपका, दैट इज़ डिफ्लेशनरी कंडीशन है। ठीक है, जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है वो जो अर्लियर परचेस करी वहाँ से बचा पड़ा है, शुरू के जो हमने परचेस कर दी उनके प्राइसेस क्या हाई हैं, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ज़्यादा।
COGS क्या आएगा, कम, ठीक है, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑल वेल, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी आपकी, इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है आपका।